किस्मत टिकी है मेरी आकाश और मानसून पर, फिर भी मैं किसान हूं, मुझे भरोसा है अपने जुनून पर। नमस्कार, खम्मागणी राम राम साहब। वो किसान का साथी है, दोस्त है, सहभागी है और सहचर भी है। वो जानवर जमाने के लिए होता है, लेकिन किसान के लिए वो हमसाया है। किसान के परिवार को पोषण देने की बात हो या फिर फसलों के लिए उत्तम खाद की या फिर जी तोड़ मेहनत की, पशु हर दम हर कदम किसान के साथ होता है और किसान भी अपने पशु का पूरा ख्याल रखता है। एक किसान ही है जो पशुओं को पशुधन कहता है और पशुधन ना सिर्फ किसान का धन है, बल्कि ये तो वो धन है जो देश की तरक्की में अहम योगदान देता है। आज इसी विषय पर बात करेंगे, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। राम राम साहब जी। हाँ, आपको भी यदि अपने पशुधन या अपने पशुओं या अपने पालतू पशुओं से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो आप हमें 0141-451-5103 पर फोन करके सीधे हमारे एक्सपर्ट से संवाद कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आज हमने हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान को बुलाया है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विष्णु शर्मा, जो कि कुलपति हैं राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विश्वविद्यालय के, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के, साथ ही आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के भी कुलपति हैं जो कि बीकानेर से हैं। सबसे पहले तो सर, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, और हमारे टीवी पर बैठे सभी दर्शकों की तरफ से राम राम साहब। विष्णु जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हम इसी प्रकार से करना चाहेंगे कि आपका जो विश्वविद्यालय, जो कि राजस्थान में एकमात्र विश्वविद्यालय है, इसका समाज के प्रति क्या योगदान है? देखिए, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, जो अभी जैसा आपने बताया, राजस्थान का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो कि राजस्थान में पशु चिकित्सा शिक्षा के समस्त प्रबंधन को संचालित करता है जी। इसके मुख्यतया तीन घटक हैं, शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार। विस्तार का मतलब प्रचार और प्रसार। तो शिक्षा के अंदर हमारे विश्वविद्यालय के तीन महाविद्यालय हैं, जो कि एक महाविद्यालय जो सबसे पुराना महाविद्यालय है वो बीकानेर के अंदर स्थित है, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर। एक महाविद्यालय हमारा नवानिया, जो कि वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है, वहाँ पर एक महाविद्यालय स्थित है, और एक महाविद्यालय हमारा जयपुर राजधानी के अंदर स्थित है। तो तीन हमारे पशु चिकित्सा के महाविद्यालय हैं, जहाँ पर कि पशु चिकित्सा स्नातक की डिग्री होती है। जो पशु चिकित्सक आप देखते हैं जो अस्पतालों के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये पशु चिकित्सक हमारे इन महाविद्यालयों में ही पढ़कर निकलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे स्नातकोत्तर की पोस्ट ग्रेजुएशन की भी शिक्षा होती है और उसके आगे पीएचडी की भी हमारे यहाँ पर पढ़ाई होती है जी। इसके अलावा 2 साल का हम डिप्लोमा कोर्स भी चलाते हैं, जो कि पशु चिकित्सा नर्सिंग कर्मी होते हैं उनके लिए भी वो 2 साल का स्किल एजुकेशन, कौशल विज्ञान के हिसाब से हम वो कोर्स भी चलाते हैं। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय का योगदान है। सर, आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पशु चिकित्सालय का योगदान है और आपने बताया कि तीन महाविद्यालय पूरे राजस्थान में है। राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, तो क्या ये बात सही है जो कि अक्सर आज का युवा सोचता है कि वो डॉक्टर तो बनना चाहता है परंतु पशुओं का डॉक्टर नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसे उसमें ग्लैमर नज़र नहीं आ रहा जो ग्लैमर उसे डॉक्टर या इंजीनियरिंग वाली पढ़ाई में नज़र आ रहा है? देखिए, ये आपकी बात जो है ये बात आंशिक रूप से सत्य थी जी। आज से लगभग 10 से 15 साल पहले जी। या आप ये मानिए कि जब हम लोगों ने पशु चिकित्सा में प्रवेश लिया समय पर, आज के समय पर पूरा परिदृश्य बदल चुका है। आज हमारे यहाँ पर वो बच्चे भी एडमिशन के लिए आ रहे हैं जिनको कि मेडिकल के अंदर, प्राइवेट कॉलेज के अंदर या कहीं दूर एडमिशन मिला है और वो वहाँ पर नहीं जाना चाह रहे। डेंटल की एजुकेशन छोड़कर तो बहुत बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि पशु चिकित्सा जो आज के समय में है वो गाय, भैंस, भेड़ और बकरी तक ही सीमित नहीं रही। आज के समय में पशु चिकित्सा के अंदर जो हमारे डॉग के हैं, हमारे श्वान हैं, इसके अलावा जो हमारे बिल्लियां हैं, हमारे घोड़े हैं, इनकी जो चिकित्सा है और इनकी जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, जिसके अंदर वही सब पद्धतियाँ उपयोग में ली जाती हैं जो कि मानव के लिए ली जाती हैं। आज यहाँ पर हमारे ECG भी होता है, सोनोग्राफी भी होती है, एक्सरे भी होता है, डायलिसिस भी होता है, और उसके लिए समाज में जागरूकता बढ़ गई है। लोग डॉग को, कुत्ते को अपने घर के अंदर एज ए फैमिली मेंबर रखते हैं और उसकी चिकित्सा पर वो पूरा ध्यान देते हैं और उस पर अपव्यय करना भी उनको उसमें कोई हिचक नहीं होती। इसलिए आज के समय में पशु चिकित्सा के लिए जो नए बच्चे आ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा आकर्षण हो गया है। तो इसलिए जो आपने कथन कहा उससे को मैं मानता हूँ, लेकिन अभी परिदृश्य बदल रहा है।
जी हाँ, धीरे धीरे हो रहा है। पेट क्लिनिक्स तो शहरों में काफ़ी नज़र आने लगी हैं, पर अभी भी गांव में वही चीज़ है। गांव में जो गांव ग्रामीण हैं या किसान हैं, वो सरकारी जो डॉक्टर हैं उन्हीं पर आश्रित हैं। वो शायद प्राइवेट उन्हें कुछ इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। देखिए, गांवों में जो है वो अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुधन पर निर्भर है। जो गाय और भैंस हैं, आज उस पर उनका रोजगार भी टिका हुआ है, उनका खाद्यान्न भी टिका हुआ है, उनका पोषण भी टिका हुआ है। तो वहाँ पर उनको सरकार ने गांव-गांव में लगभग पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रखी है, और वहाँ पर क्योंकि पशु चिकित्सा सुलभ उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए उन्हें प्राइवेट की वहाँ जरूरत नहीं पड़ती है। और पशु चिकित्सालय का जो पशु चिकित्सक होता है वो उनकी सामान्यतः सभी जो आवश्यकता हैं उनको पूर्ण कर देता है। तो इसलिए जो गांव के अंदर जो है आपने बताया प्राइवेट का, इसलिए प्राइवेट, फिर भी जी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर कि पशु चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो हैं वो अपनी चिकित्सा पद्धति प्राइवेट रूप से गांव वालों को और जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनको सुलभ उपलब्ध करा रहे हैं। और आप ये देखिए कि लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का जहाँ एक जानवर आता है जी, तो उसके लिए ग्रामीण जो हमारे पशुपालक भाई हैं, किसान भाई हैं, वो बहुत संवेदित होते हैं। वो उसके लिए पूरी चिंता रखते हैं और उसका इलाज कराने के में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। तो इसलिए पशु चिकित्सा का ग्रामीण क्षेत्र में भी पूरा उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना कि शहरी क्षेत्र के अंदर। जी हाँ, हम मुख्य विषय पर आए उससे पहले सर एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरह से मेडिकल साइंस में नर्सिंग के लिए अलग कोर्सेज होते हैं, लैब टेस्टिंग के लिए, लैब असिस्टेंट्स के लिए अलग कोर्सेज होते हैं, क्या इसमें भी कुछ इस तरह के कोर्सेज है? हालांकि 2 साल का डिप्लोमा कोर्स आपने बताया, पर उसके अलावा भी क्या कोई ऐसे कोर्सेज हैं जो आदमी 12वीं के बाद, 12th के बाद कर सके? 12th के बाद में जो कोर्स है वो 2 साल का हमारे डिप्लोमा ही है, जिसको हम कहते हैं कि पशुपालन डिप्लोमा कोर्स, जो कि विश्वविद्यालय भी चलाता है और राजस्थान सरकार के भी कुछ संस्थान है वो चलाते हैं। इसके अलावा कई प्राइवेट संस्थान भी इस कोर्स को चलाते हैं। इस कोर्स के अंदर हम उनको नर्सिंग की सुविधाएं, उसको किस तरह से प्राथमिक रूप से उपचार करेंगे, उसको किस तरह से, जो आपने अभी बताया कि प्रयोगशाला में निदान, उसके खान पान को किस तरह से ध्यान में रखा जाएगा, दूध निकालने में कैसे ध्यान रखा जाएगा, इन सब की प्राथमिक जानकारियाँ उसको उपलब्ध कराते हैं। और वो 2 साल के डिप्लोमा के बाद में वो है जो एक नर्सिंग कर्मी के रूप में सरकार में भी अपना योगदान देता है और इसके अलावा अपनी प्राइवेट भी प्रैक्टिस करता है। आप लोगों का मतलब जो डॉक्टर्स हैं, जो चिकित्सक हैं, उनका जिम्मेदारी शायद और बढ़ जाती है, क्योंकि किसान को सबसे पहले तो उन्हें यह समझाना होता है कि एक बेजुबान जानवर है, उसके लक्षण से उसके रोगों को कैसे पहचाने, अगर उसे पेट में दर्द हो रहा है तो वो कैसे पहचाने, या कुछ और चीज़ है तो उसे कैसे पहचाने। तो किस प्रकार से कर पाते हैं ये सब काम आप? हाँ देखिए, जो हम लोगों का जो 4.5 साल का कोर्स है ये जी, और 1 साल की इंटर्नशिप है, हमारा 5.5 साल का पशु चिकित्सा का स्नातक का कोर्स है। उसके अलावा 2 साल की स्नातकोत्तर भी होती है, और वो स्नातकोत्तर वैसे ही होती है जैसे मेडिकल में, सर्जरी के अंदर, मेडिसिन में, गायनेकोलॉजी के अंदर, पैथोलॉजी के अंदर, सब जो सब्जेक्ट्स जो आप मेडिकल में हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं। और हम एक साथ कई स्पीशीज के बारे में पढ़ते हैं, हम गाय के बारे में भी पढ़ते हैं, हम भैंस के बारे में पढ़ते हैं, हम ऊँट के बारे में पढ़ते हैं, हम मुर्गी के बारे में भी पढ़ते हैं, हम भेड़ के बारे में भी पढ़ते हैं, हम मछली के बारे में पढ़ते हैं। तो इसलिए जिम्मेवारी हमारी समाज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जिसमें आप जो पूछ रहे हैं कि बेजुबान जानवरों का हम कैसे हम पता करा लगाते हैं कि उसके क्या रोग है, तो इसमें पहली चीज़ तो हमारे जो होती है वो होती है कि जानवर का जो मालिक होता है वो हमें प्राथमिक रूप से बताता है कि साहब इस जानवर के इतने दिनों से इसके ये लक्षण आ रहे हैं। उन लक्षणों से जी हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बीमारी किस अंग में हो सकती है लक्षणों से, और उसके बाद में उसकी जो निदान के लिए हम उसका जो खून लेते हैं, उसका गोबर लेते हैं, उसके मुंह से उसकी लार लेते हैं, उसका मूत्र लेते हैं, उन सब से हम उसका रोग का पता लगाते हैं। इसके अलावा आजकल हमारे बीकानेर के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर आपको जानकर हो सकता है आश्चर्य हो कि सीटी स्कैन मशीन भी है जो कि डॉग्स का सीटी स्कैन तक करती है, और उसके द्वारा भी हम रोग के निदान का क्या रोग है इसके बारे में पता करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया है शिक्षा के बारे में जी। हाँ, विश्वविद्यालय का दूसरा अंग है अनुसंधान जी। हमारे विश्वविद्यालय के 8 अनुसंधान केंद्र है, जो कि सभी देशी नस्लों की गायों के अनुसंधान केंद्र हमारे पास है। राठी का हमारे पास अनुसंधान केंद्र है,
साहिवाल का हमारे पास अनुसंधान केंद्र है, कांकरेज का हमारे पास अनुसंधान केंद्र है, मालवी का हमारे पास फार्म है, थारपारकर का हमारे पास है, तो जितने भी देशी गौवंश हैं इन सब के हमारे पास पशुधन फार्म है जो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के अंदर स्थित हैं। बकरी का हमारे पास फार्म है, तो ये जो फार्म हमारे पास हैं, इन जो अनुसंधान केंद्र हैं इन पर हम देशी गौवंश का विकास करते हैं, उसके देवी देशी गौवंश के अंदर उन्नत विधियों से प्रजनन करते हैं, और उसके बाद जो उन्नत उनके अंदर जो बच्चे आते हैं, जो उनके अंदर काफ आते हैं, नर आते हैं, मादा आते हैं, उनको हम किसानों को, गौशालाओं को, इनको हम समुचित जो हमारे नियत की हुई जो कीमत है, और कई बार ज़्यादातर हम उनको गौशालाओं को निःशुल्क भी देते हैं, वो हम उनको वितरित करते हैं, जिससे कि जो आम जो राजस्थान का जो ग्रामीण परिवेश है उसके अंदर अच्छी नस्ल उत्पन्न हो और उससे पशुधन का विकास हो। तो ये हमारे अनुसंधान का कार्यक्रम है। तीसरा हमारी जो मैंने आपको बताया प्रचार और प्रसार, जी राजस्थान में हमारे विश्वविद्यालय के 15 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 15 जिलों के अंदर विस्तार केंद्र है, जिसको हम कहते हैं वेटनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र हैं। इन प्रशिक्षण केंद्रों पर हमारे पूरी बिल्डिंग है, हमारे वहाँ डॉक्टर हैं, और वहाँ पर हम जो हमारा मुख्य कार्य है वो है कि जो पशुपालक है, ग्रामीण हैं, उनको पशुपालन में जो नई तकनीकें आई हैं वो उनके बारे में उनको जानकारी उपलब्ध कराना, और उनकी कोई समस्याएं हैं तो उसको हम उन समस्याओं को दूर करते हैं, लगातार उनके प्रशिक्षण करते हैं, और पशुओं के अंदर कोई रोग हो जाता है तो उसके निदान के लिए भी हम वहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो ये हमारे इसकी मुख्यतः है जो तीन जो मैंने आपको बताई कि शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार। इसके अलावा विश्वविद्यालय आकाशवाणी से हर गुरुवार को धीनेरी बातें नाम से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है, जिसके अंदर की विश्वविद्यालय के जो विशेषज्ञ होते हैं वो उस धीनेरी बातें कार्यक्रम के अंदर अपनी बात कहते हैं और राजस्थान भर के पशुपालकों को हर बार नई विधा के बारे में बताते हैं। इसके अलावा 24 आवर हमारी हेल्पलाइन है, जिसके अंदर की लगभग 50,000 के आसपास साल में हमारे पास कॉल आती हैं, जिसमें कोई भी पशुपालक अपनी किसी भी उत्सुकता के बारे में, जानकारी के बारे में, अपनी कोई बीमारी, पशु की बीमारी के बारे में, कैसे खिलाए पिलाएं, कैसे रखें, किसी भी बारे में वो अपना पता कर सकता है। तो विश्वविद्यालय समाज के अंदर इतनी महती भूमिका निभा रहा है। जी हाँ डॉक्टर साहब, राजस्थान में कई जगह पशु मेले लगते हैं, काफ़ी तो फेमस भी हैं, जैसे नागौर वाले हैं, पुष्कर वाले हैं, तो क्या इन जगह पर भी आपकी विश्वविद्यालय से कोई लोग जाते हैं हेल्प सेंटर के लिए या वहाँ पर लोगों को जागृति या कुछ इस तरह की बातें बताने के लिए? देखिए पशु मेले जो हैं ये राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग इनको आयोजित करता है और कई जगह पर टूरिज्म विभाग के साथ भी आयोजित करता है, और ये पशु मेले जो हैं ये एक जन जागृति के लिए, पशुओं के व्यापार के लिए, अच्छी नस्ल को इधर से उधर जाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पर हम नियमित रूप से हमारे जो पशु चिकित्सा के अंदर छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं उनको हम वहाँ पर भेजते हैं, हमारे वैज्ञानिक गण भी वहाँ पर जाते हैं जब उनके अंदर गोष्ठियाँ रहती हैं, तो उनके अंदर हमारा पूरा योगदान रहता है। जी एक दर्शक है सर इस समय जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी। साहब मैं दीपचंद बोल रहा हूँ सीकर से। जी दीपचंद जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने फोन किया। अरे साहब आभार तो आपका है, तो आप इतना बढ़िया प्रोग्राम चला रखे हो टीवी पे, और हमारे तो गाँव में सभी लोग यही देखते हैं आजकल। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रश्न पूछिए। साहब मेरा सवाल है कि मेरे पास क्या भैंस है 5, जी कभी तो उनका दूध सही आ जाता है और कभी दूध कम देने लग जाती है। जी क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है इसका, और इसको मतलब दूध की वो जो बराबर मात्रा बनी रहे ऐसा क्या करना चाहिए मेरे को? जी डॉक्टर साहब क्या नाम बताया? दीपचंद जी बोल रहे हैं सीकर से। दीपचंद जी आपके जो भैंस है उसका दूध कम और ज़्यादा रहता है, तो भैंस का आप ये देखिए कोई भी गाय या भैंस है तो उसका दूध ब्याने के बाद और ब्याने से पहले अलग 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 अवस्थाओं के अंदर अलग अलग दूध आता है, वो तो एक अलग बात है, वो तो आपको भी उसका ध्यान होगा। लेकिन कई बार जब हम पशु के खान पान का हम पूरा ध्यान नहीं रखते हैं तो उसके कारण दूध के अंदर एकदम से कमी आती है। तो पशु के खान पान पर आप पूरा ध्यान रखिए, उसको जो दाना मिश्रण दें, उसको जो हरा चारा दें, उसको जो सूखा चारा दें, ये आप पशु को
संतुलित मात्रा के अंदर उपलब्ध कराएं और उसको पोषकता से उपलब्ध कराएं, और जो दाना चारा आप दे रहे हैं उस दाने चारे की किसी भी पशु चिकित्सक से जांच कराएं, अगर उसमें कोई कमी है तो आप उस दाने चारे को, दाने को और चारे को आप चेंज करें, और उसके बाद में जो दूसरा आप उसको जो BIS जो अपने भारतीय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, मानक संस्थान है, उसके द्वारा जो प्रमाणित जो चारा और दाना होगा वो आप पशु को खिलाएंगे, तो प्राथमिक रूप से एक कारण तो ये नजर आता है जिसके अंदर की आपके आहार की पोषकता के और गुणवत्ता के अंदर अगर आप वृद्धि करेंगे तो आपके दूध पर उसका फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा जो है आप उसका आवास जो है वो देखें कि अचानक दूध में कमी आई है अगर, तो उस समय पर तापमान भी उसके अंदर फर्क आ जाता है जिसके कारण कि एकदम से पशु उस तापमान को अकोमोडेट नहीं कर पाता, उससे सामंजस्य नहीं बिठा पाता, इसमें भी उस समय भी कमी उसके दूध में एकदम से कमी आती है। तीसरा अगर कोई कारण है तो वो है उसकी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन जो है उसके अंदर पशु के अंदर हो जाता है, कोई विषाणु आ जाते हैं, कोई जीवाणु आ जाते हैं जिससे, तो वो आप निकट का जो भी पशु चिकित्सालय है वहाँ आप पशु चिकित्सक को अपने पशु की जाँच करवाएँ, और मैं समझता हूँ कि पशु चिकित्सालय में जो पशु चिकित्सक हैं वो पूरे सक्षम हैं और वो उसका कोई ना कोई अगर वो निदान निकालेंगे और उसका उपचार करेंगे। तो इन तीन कारणों का मैं मुख्यतः यहाँ पर आपको वर्णित करना चाहूँगा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। जी हाँ, आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके पशुधन पे, आपके पशुधन में होने वाली समस्याओं पे। अगर आपकी भी कोई इससे संबंधित कोई शंका है तो आप 0141-451-5103 पर फोन करके सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, और आजकल की बात करें तो आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग की बात कहें या कुछ भी कहें, आजकल गर्मी और भी ज़्यादा पड़ रही है, सर्दियां पड़ने लगी हैं कम और गर्मी बढ़ रही है ज़्यादा। इसका पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है और उनके जो उत्पाद उनसे मिल रहा है हमें उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपने कही है कि राजस्थान की जो जो कृषि जलवायु स्थिति है और जो जलवायु है वो वास्तव में बहुत उष्ण है और बहुत ही यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और इसी के कारण ये है पानी की कमी होती है, और फिर आप देखें तो 5 साल के अगर काल को देखें तो 4 साल लगभग अकाल रहता है जी। तो ऐसी स्थिति में कृषकों की अर्थव्यवस्था है और उस ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन हो जाता है, तो पशुओं पर भी गर्मी का बहुत प्रभाव पड़ता है, परोक्ष रूप से भी पड़ता है और अपरोक्ष रूप से पड़ता है। परोक्ष रूप से तो ऐसे पड़ता है कि सीधा अगर हमने जो पशु का आवास गृह है वो इस तरह का बनाया है जिसके अंदर की सीधी पशु की किरणें पशु के ऊपर आ रही है, तो उसके कारण पशु पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, और पशु की जो भौतिकी होती है, उसकी जो कार्यिकी होती है, उसकी जो संरचना होती है, वो कई पशु की इस तरह की होती है कि उससे बहुत ज़्यादा संवेदित हो जाते हैं। तो ऐसे समय पर हमें पशु का जो आवास है उसका हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह से बनाना चाहिए, उसकी पूरी की पूरी एक विधा होती है। जब भी पशु आवास गृह बनाएं तो उस समय पर आप पशु चिकित्सक से या पशु चिकित्सा विज्ञानी से या किसी प्राध्यापक से आप सलाह लें, वो आपको बताएंगे, 10 मिनट आपके फार्म पर अगर वो विजिट कर लेंगे तो आपको बताएंगे कि आप पशु का इस तरह से यहाँ पर आप उसका आवास बनाएं, इस जगह पर उसकी ठाण बनाएं, इस जगह पर आप नहाने की जगह बनाएं, इस जगह पर आप उसे घूमने की जगह बनाएं। तो ये तो पहली बात होगी कि पशु आवास गृह को आप इस तरह से बनाएं। दूसरी बात जो हो गई वो पशु आवास गृह की छत जो है वो आप किसकी बनाएं, आप सीमेंट की छत बना लेंगे, आप टीन की छत बना लेंगे, आप छपरे की छत बना लेंगे, आप उसके अंदर थर्माकोल का बीच के अंदर लगा देंगे, ऐसी कई तकनीकें आ गई हैं जिससे कि पशु का जो आवास गृह वो इस तरह का बनाया जा सकता है कि हमें उसमें AC नहीं लगाने, लेकिन हम जो प्राकृतिक जो है चीज़ें वो ही लगा कर हमने इस तरह के आविष्कार कर दिए हैं कि पशु उनमें ठंडक फील करेगा और उसमें जो है गर्मी उसको नहीं लगेगी। साथ ही छायादार वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, छायादार वृक्ष लगेंगे तो उससे छाया आएगी, पशु को चारा भी मिलेगा, दो तरह के फायदे होते हैं जी। तीसरा, गर्मी में समय समय पर पशु में आजकल इस तरह की तकनीक आ गई है, आपने भी देखी होगी, ग्रामीण भाई देखते हैं कि फॉगर लगा देते हैं ऊपर, जिससे कि हर 1 घंटे में 2 घंटे के अंदर 5 मिनट के लिए वो छिड़काव हो जाता है अपने आप ही जी। कभी पशु पालक भाई हमारे महाविद्यालय में आए, हमारे विश्वविद्यालय में आए, वो इस तरह की तकनीकें हमने यहाँ उपलब्ध करा रखी हैं, उनको देखें। तो ये कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जिनसे कि हम गर्मी को दूर कर सकते हैं। तो एक और दर्शक, आप कुछ बोल रहे थे सर? अब मेरा जो था बताने का वो ये था कि एक तो ये हो गई जिससे हम पशु को गर्मी से बचा सकते हैं जी। दूसरा,
पशुपालन के कारण जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये अपन सवाल ले लेते हैं, उसके बाद में चर्चा। जी हाँ, एक दर्शक है इस समय, उनका सवाल लेते चलते हैं, इस चर्चा को जारी रखेंगे। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी। जी जी, मेरे को मेरा ये सवाल था कि जानवरों का बीमा होता है क्या? जी हाँ, जानवरों का बीमा होता है, बाकी डिटेल में विष्णु जी आप बताइए उन्हें। जानवरों का बीमा होता है, बीमा की योजना शुरू भी थी, और अभी आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें तो जो आपके जिले के उपनिदेशक हैं पशुपालन विभाग के, वो आपके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जानवरों का बीमा होता है, उसमें सरकार की तरफ से भी कुछ योगदान होता है और योजना भी है सरकार की, तो आप वहाँ उपनिदेशक कार्यालय से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। जी हाँ, पशुधन बीमा के बारे में आपको वहाँ से ज़्यादा अच्छी जानकारी मिल पाएगी। जी विष्णु जी, आप बता रहे थे पशुओं से जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय जगत में और राष्ट्र में भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पशुपालन के कारण जलवायु पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। उसका यह है कि जो पशु का जो उत्सर्जन होता है, गोबर जो पशु करता है, पशु जब भी कोई चीज़ खाता है और जब उत्सर्जन करता है तो उसके अंदर मीथेन गैस जो एक होती है, वो मीथेन गैस उत्पन्न होती है, और मीथेन गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैस जो होती है उसके अंदर इसका योगदान काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसका गर्म करने की जो क्षमता होती है वातावरण को, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए पशुपालन को हमेशा आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत जगह पे ये इससे बहुत बड़ी बड़ी अनुसंधान योजनाएं चल रही हैं, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि पशुपालन को किस तरह से ऐसा किया जाए जिससे कि ये जो मीथेन उत्पन्न हो रही है ये कम से कम उत्पन्न हो। जी, तो इसके बारे में एक मैं ये जानकारी देना चाह रहा हूँ पशुपालक भाइयों को कि इसमें हमारे हम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि पशु को कोई भी ऐसा जो होता है कि मोटा चारा पशु को आप खिलाएं, पशु को ऐसी चीज़ नहीं खिलाएं, मोटा चारा खिलाएं, ऐसी चीज़ नहीं खिलाएं जो कि पशु को आपने चारा ही चारा दे दिया लेकिन उसको दाना मिश्रण नहीं दिया। जी, तो उससे क्या होएगा कि उससे उसके मीथेन ज़्यादा बन जाएगी, उससे पशु के जो अंतर का जो उसके पेट के अंदर जिसको रूमन कहते हैं उसके अंदर जो क्रियाएं होती है उसके कारण उसकी गैस ज़्यादा बन जाती है जो वातावरण को ज़्यादा गर्म करती है। तो पशु को आप संतुलित आहार खिलाएं, उसको दाना मिश्रण जिसको कहते हैं बांट वो भी खिलाएं, उसको चारा भी खिलाएं, उसको खनिज लवण भी दें, उसको नमक भी दें। तो अगर संतुलित आहार अपन पशु को देंगे, पोषक आहार पशु को देंगे, तो उससे उसके मीथेन के उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। विष्णु जी, एक और दर्शक है इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, रूबरू होना चाहते हैं आपसे अपने प्रश्न के साथ। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी, प्रश्न पूछिए। जी आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम करके प्रश्न पूछिए। जी बोलिए, आभार आपका। अरे हुकम, हमारी हमारी गाय 4 महीने जाएगी ना, उसका दूध नहीं आ रहा है, क्या है? बिल्कुल पाव दूध आ रहा है। विष्णु जी आप प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, आपकी गाय ब्याई नहीं है, 4 महीने से दूध नहीं आ रहा है। आप अपनी गाय को खनिज लवण दे रहे हैं? दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? किलो डेढ़ किलो दे रहे हैं। किलो डेढ़ किलो? हाँ, क्या क्या देना? खनिज लवण। खनिज लवण, खनिज, खनिज वो दवा दे रहे हैं, वो कुछ नहीं दे रहे हैं। नहीं, मिनरल मिक्सचर आप उसको दें। आप अपनी गाय को मिनरल मिक्सचर देना शुरू करें, उसको उसको नमक देना शुरू करें। जो पशु चिकित्सक हैं उनसे आप बात करें वहां जाकर, और उनको आप थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि डॉक्टर साहब हमारे को खाने पीने की ये चीज़ दे रहे हैं, इसके अंदर मिनरल मिक्सचर हमारे को कोई अच्छा सा आप लिख दीजिए। अगर आप मिनरल मिक्सचर उसको गाय को नहीं दे रहे तो आप उसको मिनरल मिक्सचर खनिज लवण उपलब्ध कराएं। तो वो अगर उसके पहली प्राथमिकता जो है वो आप ये रखें। मैं समझता हूं कि अगर ये आप नहीं दे रहे हैं और अगर आप ये देंगे तो इससे आपके उसके अंदर बहुत आशातीत सुधार आएगा। जी हाँ डॉक्टर साहब, यही एक सबसे बड़ी समस्या है, पशु आहार के बारे में लोगों को जानकारी कम है। आज जैसा कि आपने बोला, डॉग्स के लिए तो टीवी पर भी एडवर्टीजमेंट आता है, लेकिन जो पशु आहार कंपनियां हैं वो भी इतनी सारी हो गई कि किसान कंफ्यूज हो जाता है, वो कैसे चुने कि कौन सा पशु आहार अच्छा है? हाँ, देखिए शर्मा जी, पशु पालन जो क्षेत्र है जी, उसमें अगर कोई भी पशु को पालने में
उसका जब वो शिशु है जी, बच्चा है, और जब वयस्क हो जाता है, दूध देने वाली गाय हो जाती है, अगर उस पर 100 रुपया खर्च होता है किसान का, तो लगभग 75 से 80 रुपया उसके पशु आहार पे और खिलाने पिलाने पर ही खर्च होता है। तो आप ये समझिए कि ये जो विज्ञान है हमारे पशु चिकित्सा के अंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है, बल्कि ये सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है। अगर इस विज्ञान को अगर किसान ने इसके वैज्ञानिकों को अगर की सलाह पर अगर वो चल निकला, तो उसका मुनाफा ही मुनाफा है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये, मुख्यतः मैं 2-3 बातें बताऊंगा कि किसान इस चीज का ध्यान रखें कि पशु को हमेशा दाना और बांट हमेशा देना है जी। और कितना देना है दाना और बांट, ये आप वहाँ पशु चिकित्सक से सलाह लें, क्योंकि ये कितना वो दूध दे रही है, वो ज्ञापन है कि नहीं है, उसकी क्या अवस्था है, कितना उसके कौन से दुग्ध काल में वो चल रही है, इस पर निर्भर करता है। लेकिन उसको बांट देना और सांद्र आहार देना, मिश्रण देना बहुत जरूरी है। दूसरा, हरा चारा। हरे चारे का अपना बहुत महत्व है, क्योंकि हरे चारे से कई विटामिन और कई मिनरल पशु को मिलते हैं जी। तीसरा जो है सूखा चारा। तो ये 3 चीजें आप पशु को संतुलित रूप से दें। दूसरा, इतनी सारी जो कंपनियां आ गई हैं, तो कंपनियों का अपना जो पशु आहार बनाते हैं, वो कंपनियां अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरह के पशु आहार बनाती है। लेकिन किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को ये देखना चाहिए कि हमें वो पशु आहार लेना चाहिए जिस पशु आहार पर भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित हो जी। उस हर पशु आहार की, जैसे हम हमारे खाने की देखते हैं, आज की तारीख में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात आ गई है, उस पर लेबल पे लिखा रहता है कि इतना प्रोटीन, इतना फैट, इतना मिनरल, ऐसे ही पशु आहार पर भी लिखना जरूरी है कि उस पशु आहार में कितना प्रोटीन है, कितना उसके अंदर वसा है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना मिनरल है। ये सारी की सारी भारतीय मानक ब्यूरो जो है उसने इन सबको निर्धारित कर रखा है। तो जो पशुपालक लेवे आहार, वो ये देख कर लेवे कि वो पशु आहार प्रमाणित किया हुआ है, तब उसमें वो फिर वो किसी भी कंपनी से लें जो उनके उनको ठीक लगता है, जो उनको कम कीमत में देते हैं, लेकिन ये प्रमाणीकरण जरूर से देखें जी। एक और दर्शक है जो इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। राम राम साहब जी। राम राम साहब। राम राम जी साहब, मैं देवीलाल यादव बोल रहा हूँ बेगस से जी। यादव जी नमस्कार साहब। आज ऐसा है, मेरा ये आपके टीवी चैनल के माध्यम से साहब को ये सवाल है कि किसानों के लिए बारिश का तो है नहीं, मौसम तो वैसे रहता नहीं है, तो मैं पशुपालन की तरफ अग्रसर हो रहा हूँ साहब जी। तो पशुपालन में मेरे को कौन सी नस्ल की गाय या भैंस रखनी चाहिए जो दुधारू हो, उनका दूध काफी मात्रा में आए, ताकि मैं पशुपालन को व्यवसाय के रूप में आगे ले जा सकूं। डेयरी चालू करना चाह रहे हैं आप, डेयरी शुरू करना चाह रहे हैं आप? जी 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 साहब, डेयरी डेयरी जी। विष्णु जी, किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए इन्हें? देखिए यादव साहब, डेयरी आप शुरू करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि आज डेयरी पालन जो है ये बहुत तेजी से हमारी सरकार भी बढ़ा रही है जी। और भारत सरकार से, नाबार्ड से भी इसके बारे में लगातार है जो जानकारियां और लोन मिल रहा है। तो आप दूध के लिए करना चाह रहे हैं, तो आप पहले आप ये देखिए कि आपके पास कितनी पूंजी है, पहले आप उसको निर्धारित कीजिए कि आपको आपको कितनी पूंजी लगानी है, क्योंकि 10 गाय से लेकर 1000 गाय तक का फार्म शुरू किया जा सकता है। तो मेरी पहली सलाह यह है कि आपको के पास कितनी पूंजी है, उस पूंजी से आप अगर 10 गाय खरीद सकते हैं, 20 गाय खरीद सकते हैं, शुरुआत में आप कम कर रखें लक्ष्य, क्योंकि आप पहली बार इसके अंदर उतर रहे हैं। तो आप पहले अपने पूंजी के हिसाब से आप ये देखिए कि आपकी क्षमता कितनी रखनी है, उसके पश्चात आप उस जमीन जो आपकी है, उस जमीन की मिट्टी की जांच करवाइए। आप आपके वहाँ पर जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनसे आप उनकी मिट्टी की जांच करवाइए। वहाँ पर आप देखिए, पता करिए कि यहाँ पर कौन सा हरा चारा उगाया जा सकता है, उसके बारे में पता करिए। और अपने जो आपके भूमि है उसका एक मुख्य भाग जो है आप चारे के लिए निर्धारित कर दीजिए कि यहाँ मैं हरा चारा उगाऊंगा। उसके बाद आप जब उनका आवास गृह बनवाएं, तो मैंने आपको जैसे अभी कार्यक्रम में बताया कि आप किसी पशु चिकित्सक से या कृषि विज्ञान केंद्र के जो पशु विज्ञानी हैं उनसे आप मिलिए कि मुझे आधुनिक आवास गृह बनाना है, जिससे कि पशु पर के पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़े जी। आवास को आप अच्छी तरह से बनवाइए, इस तरह से बनवाइए और इस दिशा में बनवाइए जिस पर की सूरज की किरणें कम से कम पड़े। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिससे कि आगे जाकर आपको लाभ मिलेगा।
फिर आप जब पशु को लेकर आते हैं तो आपको उसका टीकाकरण समय पर आपको करवाना पड़ेगा, आपको उसका जो दूध निकालते हैं वो दूध निकालने का समय आपको निर्धारित करना पड़ेगा, आपको जो पशु के खान पान की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आपको पहले से देखना पड़ेगा कि मैं उसका खाना पीना कहाँ से लाऊं। इन सब बातों को अगर आप पहले से एक बार विचार करके निर्धारित कर लेंगे और किसी निकट के पशु चिकित्सालय में या आप हमारे विश्वविद्यालय की किसी भी इकाई पर आ जाइए, वहाँ पर जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो इसके बारे में आपको बता देंगे, और उसके बाद में बैंक वगैरह से लोन ले सकते हैं या नाबार्ड की कोई योजना है उससे भी आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी बात करनी है पशुधन से संबंधित, पशुओं की समस्या से संबंधित, तो 0141-451-5103 पर फोन करके सीधे हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। एक दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राम राम सा। राम राम सा जी, प्रश्न पूछिए। सर हमारे पशु गायें हैं कम से कम 15-20, कोई छोटा कोई उद्योग खोलना है, डेयरी खोलनी है, इसकी गवर्नमेंट क्या कोई योजना है, कोई सब्सिडी वगैरह दे रही है, ऐसी कोई है? कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम बाड़मेर फेड़वा से। बाड़मेर से बोल रहे हैं इसको जी। देखिए मैंने अभी पिछले कोई पशुपालक भाई थे उनको भी मैंने यही बताया था कि अभी राजस्थान सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं इसके बारे में, जो बैंक वगैरह अलग अलग सब्सिडी भी देते हैं, इस सब की लिए आप वहाँ जो जिले के उपनिदेशक हैं जिन जो उनके पास आप जाइएगा तो वो आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बताता हूँ कि जो नाबार्ड है और नाबार्ड और भी कई कोऑपरेटिव बैंक जो है, सहकारी बैंक हैं, उनको जो भी योजना आती है वो उन तक उपलब्ध कराती है। तो आप सहकारी बैंकों के प्रबंधक के पास जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि भाई हमारे पास अभी छोटे रूप में ये योजना है, बड़े रूप में अगर आप करना चाहते हैं तो ये योजना है। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि सहकारी बैंकों के पास और सब बैंकों के पास पशुपालन के लिए भी योजनाएं रहती हैं जी। डॉक्टर साहब, जब डेयरी की बात आती है तो डेयरी, जैसा कि आपने कहा, 10 गाय से लेकर और 1000 गाय तक डेयरी बनाई जा सकती है, डेयरी खोली जा सकती है, स्टार्ट की जा सकती है डेयरी में भी आजकल। मैं आपके पास इस प्रश्न को लेकर बाद में आऊंगा। एक दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राम राम साहब। जी राम राम साहब जी। जी मैं शेर सिंह बोल रहा हूँ नारनौल से। जी शेर सिंह जी। जी मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल जब ग्राहक ये पूछते हैं कि A1 मिल्क है या A2 मिल्क है तो इनमें कोई फर्क होता है कि, मैं जानना चाहता हूँ जी। जी लगभग कुछ इसी तरह का प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रहा था। तो क्या क्या किस किस तरह के दूध इस समय मार्केट में उपलब्ध है, मैं चाहूंगा उसके बारे में हमारे किसान भाई बताएं। देखिए शेर सिंह जी, जो A1 और A2 मिल्क है इसका आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है कि A1 मिल्क अच्छा होता है, A2 मिल्क खराब होता है, या कोई किसी को कोई तरह की भ्रांति होती है, किसी को इस तरह की भ्रांति होती है। तो A1 A2 मिल्क जो है ये एक आनुवंशिकी कारण है, और अभी जो जो अनुसंधान चल रहे हैं इसके बारे में, पूरे दुनिया के अंदर अनुसंधान चल रहे हैं, भारत में भी अनुसंधान चल रहे हैं, और वो एक जो एक जिसको हम कहते हैं कि ट्रेंड जो माना जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि इसके पीने से है जो मानव के स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में अभी निष्कर्ष रूप से कुछ नहीं कह सकते इसके, कि सिर्फ ये जो एक है कि कई कंपनियां इस तरह का उसको करती हैं कि भाई इससे ये वाला मिल्क ज़्यादा फायदेमंद है, ये वाला मिल्क ज़्यादा नुकसानमंद है, नुकसानदेह है। तो इसके बारे में वैज्ञानिक जगत के अंदर अभी अनुसंधान और इसके बारे में परीक्षण चल रहे हैं, उसके बारे में अभी निष्कर्ष के रूप के अंदर अभी हम कुछ नहीं आए कि ये मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसान है ही है या नुकसान नहीं है। हर दूध जो होता है उसके अंदर A1 भी होता है, A2 भी होता है। कोई भी दूध ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से A1 है, कोई भी दूध ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से A2 है। अब उन दोनों का अनुपात जो है अलग अलग होता है जी। एक और दर्शक है जो इस समय रूबरू होना चाहते हैं आपसे। जी राम राम सा। राम राम सा जी। सर कुल्डू कुल्डाराम बोल रहा हूँ चूरू जिले से। जी कुल्डाराम जी। सर मेरा क्वेश्चन है अपने गाय का खुरपक्की साहब, तो खुरपक्के से बचना का कोई उपाय बताओ साहब। जी साहब, खुरपका एक बहुत, देखिए खुरपका मुंहपका बीमारी होती है जी, और ये जब भी ये बीमारी होती है उस समय उससे पहले आपको आसपास की जगह को साफ रखनी चाहिए, उसके अंदर जो है पीपी का सॉल्यूशन वगैरह होता है जब ये हो जाता है उससे साफ करना चाहिए। तो ये आप जब भी, ये 2-3 बीमारियां हैं, खुरपका मुंहपका है, गलघोटू है, तो जब भी आप पशु चिकित्सक से संपर्क करते हैं तो इन बीमारियों की
मुख्य रोकथाम जो मैंने आपको बताई है इसके बारे में आप उसका ध्यान रखें, और जैसे ही बीमारी होती है उसी समय आप पशु चिकित्सक से सलाह लें तो उसका जो भी एंटीबायोटिक वगैरह का जो ट्रीटमेंट होता है वो उनको देंगे पशुओं को। जी डॉक्टर साहब, अभी बात एवन मिल्क और ए टू मिल्क की चल रही थी, उसी तरीके से आजकल एक और चीज़ आ रही है कि सिंथेटिक दूध है, सिंथेटिक मावा है, दूध की पहचान नहीं हो पाती है कि इसमें केमिकल है या ये ओरिजिनल दूध है, किस तरीके से करें इस पहचान को? देखिए, दूध में मिलावट जी एक अलग विषय है और सिंथेटिक मिल्क एक अलग विषय है जी, ये हमें पहले अच्छी तरह से इस पर समझ लेना चाहिए जी कि दूध में मिलावट तो दूध तो है लेकिन उसमें कुछ और मिला दिया है, और सिंथेटिक मिल्क है जो कि दूध है ही नहीं, वो तो पूरा नया दूध ही बना दिया है जी। हाँ, दोनों अलग अलग विषय हैं और आजकल इस तरह की बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं जिसके अंदर के लोग दूध में भी मिलावट करने लग गए हैं, और सिंथेटिक मिल्क भी बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर हम पढ़ते रहते हैं कि सरकार का जो विभाग है वो उन पर पकड़ते भी रहते हैं यहाँ वहाँ। तो इसके लिए हमें पशुपालक भाइयों को और आम समाज को सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी दूध हम लेते हैं वो कोई मानक प्रमाणित संस्था से लें, और अगर कोई दूध जो हम ले रहे हैं उस दूध के अंदर अगर आपको कोई दुर्गंध नज़र आती है, कोई उसके अंदर पीलापन नज़र आता है, उस दूध को आप लेकर दोनों उंगलियों के बीच में करेंगे तो अगर आपको साबुन जैसा लगता है, ये तीन चार इस तरह के दूध उबलने पर फट जाता है एकदम से, तो ये ऐसे कारण है जिससे कि आपको लगता है कि इस दूध के अंदर कहीं ना कहीं मिलावट है जी। जैसे ही आपको ये लगता है आप उससे दूध का एक नमूना ले लेवें, और नमूना लेकर आप उसका परीक्षण करावें। परीक्षण कराने के लिए कई जगह पर प्रयोगशालाएं हैं, डेयरी की प्रयोगशाला है, और जगह जगह पर जो दुग्ध उत्पादक समितियां हैं उनके पास भी जो है एक मशीन है जिसको हम मिल्को स्कैन कहते हैं, उसके अंदर वो दूध में कितनी प्रोटीन है, कितनी फैट है, ये सब तो देख ही लेते हैं, लेकिन यूरिया उसके अंदर है कि नहीं है, उसके अंदर कोई और डिटर्जेंट है या नहीं है, इसकी जो है जानकारियाँ हम उपलब्ध कराते हैं। हमारे महाविद्यालयों के अंदर हम लगातार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो सेक्रेटरीज होते हैं उनको बुलाकर, और किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र पर आप जाएंगे, किसी प्रयोगशालाओं के अंदर आप जाएंगे जहां पर कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं हैं, तो उनके अंदर आपको इसका परीक्षण करके इसके बारे में बता दिया जाएगा। एक और दर्शक हैं जो कि इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, कुछ पूछना चाहते हैं। जी राम राम साहब। जी राम राम साहब, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज़? संबंध विच्छेद हो चुका है, काफ़ी देर से होल्ड कर रहे थे, दोबारा से प्रयास करेंगे तो मैं आपसे उनका संपर्क कराऊंगा। डॉक्टर साहब, किस प्रकार से किसान भाई अपने पशुओं का पालन करें, किस प्रकार से उन्हें क्या करें, कि कुछ लक्षण मैं चाहूँगा कि आप बताएं उनसे जिनसे कि पता चलता है कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है या कुछ है, और किस समय उन्हें चिकित्सालय लेके जाएं? देखिए, कोई भी किसान या पशु पालक जो है वो पशु को किस लिए पालता है? वो पशु को पालता है उत्पादन के लिए। उसका दूध अच्छी तरह से आ रहा है, ऊन उसको पूरी आ रही है, उसकी बकरे वगैरह है तो उसकी बढ़वार पूरी हो रही है, मुर्गी है तो उसके अंडा पूरा आ रहा है, या जो ब्रॉयलर है मांस के लिए जो होता है उसका भार पूरा बढ़ रहा है, तो प्राथमिक जो लक्षण है वो तो किसान को या पशुपालक को वही पता चल जाता है। अगर जैसे आपने अभी हमारे किसान भाइयों ने कॉल करी कि एकदम से दूध घट गया जी, तो ये पहला लक्षण है कि कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात है, हमें पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा कई बार क्या है कि पशु के बाह्य लक्षण आने पहले शुरू हो जाते हैं, जैसे खुरपका मुँहपका, धीरे 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 दूध में गिरावट आती है, कोई उसके शरीर पर कई तरह से चकत्ते आ जाते हैं, उसका जो गोबर होता है वो गोबर उसका आम तरह का नहीं होके बिल्कुल तरल गोबर उसका आने लग जाता है, कई बार पशु जुगाली करना बंद कर देता है, कई बार पशु की आप आंखें देखेंगे तो उससे आपको पता लग जाता है उसकी आंखों के किनारे से है जो जैसे हम कहते हैं आंसू गिरने हो गए, इस तरह चालू हो जाता है, उसकी लार गिरने लग जाती है, वो जुगाली करना बंद कर देता है, उसके आफरा आ जाता है, तो ये कई तरह के ऐसे लक्षण हैं जिनसे कि पशु का हमें पता चलता है कि यह सामान्य स्थिति नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई असामान्य स्थिति है, जिसमें सबसे पहला लक्षण जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ वो ये है खान पान में असामान्यता जी। पशु खाना पीना एकदम से छोड़ देता है, बंद कर देता है, या इधर उधर दूसरी जगह पर मुंह मारने लग जाता है, तब हमें यह समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पशु में किसी चीज़ की असामान्यता उत्पन्न हो रही है।
विष्णु जी, एक और दर्शक हैं जो इस समय मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। जी राम राम साहब। राम राम जी। जी सर, मैं पूछना चाहता था जी, मैं देसी गाय पालना चाहता हूँ, तो मैंने कहा घी पार कर कौन सी गाय दे सकती है? जी हाँ, गाय पालन करना चाहते हैं पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कौन सी नस्ल की गाय पालें। आप किस इलाके के रहने वाले हैं? दोसा के रहने वाले हूँ, लालसोट। लालसोट से बोल रहे हैं जी। अच्छा हाँ, तो देखिए उस साइड में गिर भी चल रही है, थारपारकर भी चल रही है, इनमें कोई कोई भी आपको, आप आसपास के किसानों के फार्मों पर जाएंगे तो ये आपकी रुचि है, आप कोई सी भी गाय पाल सकते हैं, लेकिन देशी गाय पालें। तो मेरी जो सलाह है वो ये है कि देशी गाय का आप ये ध्यान रखें कि शुरू से ही जब भी आप देशी गाय पालें तो उसके लिए जो आहार जो आप तैयार करें, क्योंकि आवाज जो आप तैयार करें, क्योंकि देशी गाय के और जो संकर गाय होती है उसके अंदर अंतर होता है, क्योंकि देशी गाय थोड़ा दूध कम देगी, संकर गाय दूध ज़्यादा देगी। देशी गाय को जो आहार है वो हम कम लागत का अच्छा आहार खिला सकते हैं, संकर गाय के लिए हमें आहार की ज़्यादा की जरूरत होगी। आवाज जो है उसके अंदर भी, क्योंकि देशी गाय तापमान को सह सकती है और संकर गाय जो है ज़्यादा तापमान होता है उसके अंदर, वो संकर गाय इतना नहीं सह सकती। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप देशी गाय का चयन करें। देशी गाय की आप कोई भी नस्ल लें इन एरियाज के अंदर, उसमें की दिक्कत नहीं है। गिर जो नस्ल है वो आप ले सकते हैं और उसको आप जब भी पालें तब आप मेरी इन दो तीन चार बातों का जरूर से ध्यान रखें। एक और दर्शक है जो बात करना चाहते हैं आपसे। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी, मैं ये पूछ रहा था कि हमारे 10-15 बेचे हैं जी, अब वो कभी कभी क्या था, जब वो उसमें जिसे हम देसी भाषा में कुशारिया बोलते हैं जी, उनके पैर रुक जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं और उसके मुंह से लाल डट्टा पकती रहती है जी। अब वो चारा वाला लिखाती है, उसके बारे में पूछता था मैं जी, क्या कारण हो सकता है विष्णु सर? जो आपने, मैंने पहले बताया आपको कि मुंह से जब लार वगैरह गिरने लग जाती है और पैर के अंदर भी वो हो जाता है, तो ये खुरपका मुंहपका बीमारी के ही प्रारंभिक लक्षण दिखते हैं। इसके लिए आप जो मैंने अभी कार्यक्रम में भी बताया था, यह बहुत आम बीमारी है और इसके अंदर जो है आप वहाँ का जो पशु चिकित्सक है उससे आप सलाह लें और इसका समय समय पर इसकी रोकथाम का उपचार करें जी। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी, मैं कोटा से बोला हूँ जी। मेरे पास ये है, डॉक्टर साहब बोल रहे थे दूध की आप कहीं पर किसी प्रकार से जांच करा सकते हैं, आप ये बात, मेरा मानना यह है कि 99% दूध की मिलावट है, आपकी ऐसी काम कर रही जो दूध कुछ है गलत बताती है या अशुद्धि, अशुद्धि तो 99% है और आप खुद की लेबर जो काम कर रही है तो आपका तो खुद का फार्म हाउस होगा, इस वजह से जो है आप दूध को सही बता सकते हैं, सही बता सकते हैं, लेकिन किसी भी लेबर से आप ये नहीं कह सकते हैं कि दूध आप खुले में मिलता है, आप चाहे किसी भी डेयरी से पीजिए या भोपाल से ले लीजिए। जी हाँ जी हाँ, आपने अपना प्रश्न पूछा है। एक तो थोड़ा सा मैं बार बार आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि आप जब फोन करें तो कम से कम ऐसी जगह खड़े होकर फोन करें जहाँ की नेटवर्क अच्छा आ रहा हो, जहाँ से कि हम तक बात सीधे से पहुँच सके, जहाँ कि हम समझ सकें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी बात आधी समझ में आ रही है, आधी नहीं समझ में आ रही, और जितनी बात समझ में आ रही है उसमें सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि 99% दूध में मिलावट आती है। विष्णु जी संक्षेप में आप कुछ इन्हें बताएं। नहीं, 99% तो मिलावट नहीं कह सकते हम जी, है ना, शुद्ध दूध भी उपलब्ध है मार्केट में, मिलावट वाला भी मिलावट भी लोग करते हैं वो, जैसा कि हमें विभिन्न स्रोतों से पता चलता है जी। लेकिन आज के समय में शुद्ध दूध भी उपलब्ध है मार्केट के अंदर और कितने ही लोग जो हैं जो कि डेयरी फार्म अपना चलाते हैं और वो अपने डेयरी फार्म को बिल्कुल खुला रखते हैं कि वो आम जो उपभोक्ता है वो वहाँ आकर अपने सामने दूध निकलवाता है और सामने ले जाता है। यहाँ तो ऐसी मशीनें आ गई कि हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधी बोतल में पैक हो जाता है। हाँ, बोतल पैक हो जाती है और जो RCDF वगैरह जो डेयरी वगैरह है यहाँ बिल्कुल पाश्चुराइज तरीके से दूध होता है और ये दूध है जो बिल्कुल मानकों के हिसाब से होता है। तो इसलिए ये कहना कि 99% दूध मिलावट है, मैं इसमें पूरी तरह से सहमति नहीं रखता हूँ जी। विष्णु जी, एक और दर्शक हैं इस समय जो कि आपसे बात करना चाहते हैं। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी। साहब आपका ये प्रोग्राम है, मैं पूछना चाह रहा था जी कि आजकल ये अजोला चल रहा है जी, कहते हैं लोग कहते हैं कि भाई मेवा मिश्री है पशुओं के लिए,
क्या चीज है साहब, खिलाए या नहीं खिलाए पशुओं को, दे नहीं दे क्या है? जी हाँ, इसका अजोला का प्रचार जो होता है वो ड्राई फ्रूट्स के रूप में होता है, तो शायद वो पूछना चाह रहे हैं कि मेवा मिश्री इसे क्यों कहते हैं और क्या है अजोला? नहीं, अजोला जो है ये एक तरह की फर्न है, वनस्पति है जी, और जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में अभी आई हुई है जी। तो अजोला को आप पूरी तरह से बिल्कुल निसंकोच खिलाएं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार भी करें किसान भाइयों को, और इसके अंदर बहुत अच्छी प्रोटीन की मात्रा होती है, और पशु को आप जब भी इसको खिलाते हैं डेली रूप से, तो वो पशु जो है आपके जो दाना मिश्रण होता है उसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए, जिससे कि उसकी लागत में कमी आ जाती है और पशु के अंदर दूध के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो अजोला को आप पूरी तरह से खिलाएं, इसकी तकनीकी पूरी तरह से विकसित करी हुई है, और जहाँ भी आप लगाएं, जब भी जिस भी एरिया के अंदर आप रहते हैं उसके आसपास के पशु चिकित्सक से या कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर आप जाएं, वहाँ आपको इसकी तकनीक उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक सबसे ज्वलंत विषय जो इस समय चल रहा है वो है जैविक खेती। जैविक खेती के गुण हमें बताए जा रहे हैं। एक समय था जब पूरे हिंदुस्तान में जैविक खेती हुआ करती थी, परंतु फिर बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारे उत्पादन की जरूरत पड़ी, तो हम लोगों ने पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना शुरू किया। क्या पशुपालन में भी जैविक खेती का या जैविक तरीके से पशुपालन को भी किया जा सकता है? बिल्कुल, जैविक पशुपालन पशुपालन में उभरती हुई एक बहुत नई तरह की विधा है जी, जो कि जैविक कृषि के साथ ही है। ये आपको बिल्कुल, इस तथ्य को मैं बिल्कुल यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जो जैविक कृषि है वो पशुपालन के बिना हो ही नहीं सकती जी, क्योंकि जैविक कृषि का मतलब है कि जो भी हम वहाँ पर उगा रहे हैं उसके अंदर जो जो खाद होएगी वो खाद है जो वो पशुओं के गोबर की खाद होएगी। तो इसलिए पशुपालन तो जैविक कृषि का एक अभिन्न अंग है, और आजकल जैविक पशुपालन पर बहुत ज़्यादा जोर होने लग गया है। उसका जो पशु आहार है उसको जैविक तरीके से भूमि पर उगाया जा सकता है, उगाया जाता है, उसमें कोई पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव नहीं किया जाता, पशुओं के अंदर किसी भी तरह की एंटीबायोटिक नहीं लगाई जाती, जिससे कि जो हमारा मिल्क होता है, मीट होता है, अंडा होता है, उसके अंदर किसी भी तरह का ऐसा अवशेष नहीं आए, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा इस तरह की समस्या बढ़ने लग गई है। तो एंटीबायोटिक फ्री होता है, उसके अंदर पेस्टिसाइड फ्री होता है, उसके अंदर जो है इंसेक्टिसाइड फ्री होता है, और उसका जो पशु को जो आवास जो होता है वो बिल्कुल एक नेचुरल एटमॉस्फेयर होता है, बिल्कुल नरसंगिक जो वातावरण होता है वो पशु को उपलब्ध कराते हैं। उसका जो व्यवहार जो पशुपालक पशु से करते हैं उसका अपना एक तरीका होता है। तो इसके पूरे मानक बने हुए हैं, मेरे कहने का मतलब ये है जैविक पशुपालन के पूरे मानक बने हुए हैं, और उन मानकों से जब पशुपालन किया जाता है तो जो भी उत्पाद होता है उसको हम जैविक उत्पाद कहते हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे मांस हो, चाहे अंडा हो, चाहे शहद हो, वो जैविक पशुपालन कहलाता है, और उस उत्पाद का प्रमाणीकरण होता है, उस प्रमाणीकरण के बाद में उसको जैविक पशुपालन। एक और दर्शक हैं जो कि बात करना चाहते हैं आपसे। जी राम राम साहब। राम राम सर। जी सर, मेरा ये सवाल है कि जब भी दूध वाली भैंस के टीका लगवाते हैं जी, तो वो दूध कम देने लगती है, ऐसे क्यों होता है सर, उसका क्या उपचार है फिर? जी देखिए, एक टीका लगने का जो एक आम एक प्रतिक्रिया है वो एक बात अलग है, इसके अलावा ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि टीका लगने के बाद में उसका दूध कम होएगा ही होएगा, लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि टीका लगता है, बॉडी है उसका अपना कोई होता है, लेकिन इसके अलावा आप दूसरे कारणों का भी जांच कराएं, और इस अगर लगातार इस तरह की आपके वहाँ पर कोई आ रही है दूध कम होने की समस्या, तो आप निकट के पशु चिकित्सालय जो है वहाँ पर आप संपर्क करें, क्योंकि किसी भी चीज़ को बताने से पहले उसके बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है जो कि पशु चिकित्सक वहाँ मौके पर या आपसे विस्तार में जानकारी लेकर बता सकते हैं। जी हाँ सर, बात हम जैविक खेती कर रहे थे, जैविक पशुपालन की कर रहे थे। हिंदुस्तान को गोपालों का देश कहा जाता है, और अब ये गोपाल कहीं खो रहे हैं, यानी कि गाय का पालना जो है वो कम होता जा रहा है। पहले जरूरी नहीं था किसान ही गाय पाले, व्यापारी भी गाय पालते थे, हर घर में गाय होती थी। तो क्या अगर थोड़ा सा गोपालन की तरफ हम लोग जाएं, तो जो ये ऑर्गेनिक खेती या जैविक, इस देश का भविष्य है। गौपालन हमारी संस्कृति है, गौपालन हमारे पुरखों से हमारे उसमें सभ्यता के अंदर समाया हुआ है जी। और अभी क्योंकि शहरीकरण बढ़ रहा है, गायों को खाने पीने के लिए उतनी खान पान नहीं मिल पा रहा है, और इसके कारण जो है लोग, हर व्यक्ति अपने घर के अंदर गौपालन या
पशुपालन करने में असमर्थ हो रहा है, इस कारण ये धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन फिर भी राजस्थान के अंदर जहाँ पर कि देशी गौवंश प्रचुर मात्रा के अंदर है, हमारा देशी गौवंश पूरे राष्ट्र में प्रसिद्ध है, यहाँ पर गौपालन बढ़ रहा है, गौपालन के अंदर जो है देशी गौवंश की नस्लें यहाँ पर बढ़ रही हैं, और हमारा विश्वविद्यालय इसके अंदर लगातार आशातीत रूप से पशुपालकों को और किसानों को सहयोग उपलब्ध करा रहा है, और अनुसंधान केंद्रों से और हमारे प्रशिक्षण केंद्रों से लगातार इसके बारे में प्रशिक्षण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ऋषि जी, पशुपालन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसे हम एक घंटे में कवर नहीं कर सकते, पर फिर भी समय की बहुत कमी है। मैं आपसे जाते जाते एक प्रश्न सिर्फ इतना सा पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा डॉग्स के बारे में कहा, हॉर्सेस के बारे में कहा, इन लोगों के लिए तो बहुत सारी, इन पशुओं के लिए बहुत सारी तकनीक है जो कि हम कई बार फेसबुक पे सोशल मीडिया पे भी आती रहती है, परंतु जो असली जहां से हमें उत्पाद मिलने वाला है, गाय भैंस बकरी, इन सब के लिए क्या नई तकनीकें ऐसी हैं जो कि किसानों को मदद करेंगी उन्हें पालने में और उन्हें कंफर्टेबली पालने में? देखिए, गौपालन, भैंस पालन, बकरी पालन, सबके अंदर बहुत तकनीकें आ गई हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विश्वविद्यालय के हमारे पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ने और राजस्थान सरकार के जो चिकित्सक गण हैं उन सब ने मिलकर कई ऐसी तकनीकें बनाई हैं। जैसे मैं महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि खान पान जैसे मुख्य समस्या है, खान पान के अंदर जो तकनीक बनाई है उससे किसानों को एक ब्रिक के रूप में जिसके अंदर की उसका बाँट, उसका चारा, उसका खनिज लवण, उसका मिश्रण, उसकी दवाई तक इसके अंदर मिलाकर हम ईंट बनाते हैं जो कि हम पशु के सामने रख देते हैं, तो वो पशु उसको खाता है बड़े चाव से और उसको संतुलित आहार मिल जाता है उस ईंट के द्वारा। और वो ईंट आप चारा है, सूखा चारा, उस सूखे चारे को अगर आप चार ट्रक सूखे चारे को अगर आप ईंट बना देते हो तो वो एक ट्रक में आ जाता है। आप सोचें कि 75% परिवहन की लागत कम हो गई, 75% उसको स्टोरेज की लागत कम हो गई, और जब अकाल पड़ता है, जब हम चारे को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाते हैं और हम देखते हैं कि सड़कों पर चारे वाले ट्रक जो हैं वो किस तरह से भर के आधी सड़क घेर के जाते रहते हैं जिससे दुर्घटना का डर होता है, इन तकनीकों के द्वारा हम उन चारों को ईंटों में बदलकर अगर हम परिवहन करें तो जैसा मैंने बताया 75% लागत में कमी, और पशुओं का जब आप खिलाएंगे तो उसके अंदर जैसा ऐसे होता है कि कोई भी, कई बार हम सुनते रहते हैं कि भंडारण के अंदर कम हो गया, अचानक किसी ने चोरी ली या इधर उधर पशु ने उसको वेस्ट कर दिया, ये सारी चीजें नहीं होकर इन तकनीकों से हमें उसको फायदा मिल सकता है। तो ये पशुपालन के अंदर इस तरह की कई तकनीकें आज के समय में शुरू हो चुकी हैं। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने बहुत रोचक और बहुत खास बातें हमें बताई पशुपालन से संबंधित, जो कि आज के किसान भाइयों को जरूर अच्छी लगी होंगी, बहुत उपयोगी रही होंगी उनके लिए। अगली बार फिर हम प्रयास करेंगे कि आपको जल्द हमारे स्टूडियो में बुलाएं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई आपसे बात करना चाहते थे परंतु नहीं कर पाए क्योंकि फ़ोन व्यस्त था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका भी और उन सभी किसान भाइयों का जिन्होंने आज फ़ोन किया, और उन किसान भाइयों का भी जिन्होंने प्रयास किया पर वो हमसे संपर्क उनका नहीं हो पाया। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे। आज ही के दिन, आज ही के समय देखते रहिए। राम राम साहब। Thank you.